ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के नजदीक रेडीमेड पार्क के बाहर एक होटल संचालक की लाश उसी की दुकान में पड़ी मिली है। मृतक सोनू भदौरिया का पिछले 3 दिनों से अपने परिवार के लोगों से संपर्क नहीं था। उसका मौसेरा भाई गौरव गुरुवार को जब अन्ना रेस्टोरेंट पहुंचा तब होटल का शटर बंद था, लेकिन ताला नहीं लगा था। दुकान के भीतर से बदबू आ रही थी, ये देखकर गौरव का माथा ठनका। उसने अपने कुछ परिचित लोगों को बुलाया और इसके बाद अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने देखा कि शटर के भीतर एक पलंग पर लेटी हुई हालत में सोनू भदौरिया पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर बदबू के साथ ही कीड़े भी रेंग रहे थे। सोनू की मौत हत्या है अथवा वो किसी हादसे का शिकार हुआ है, इस बारे में घर वाले भी साफ तौर पर कुछ बता नहीं पा रहे हैं। 3 बच्चों के पिता और 40 साल की उम्र के सोनू भदौरिया ने अन्ना रेस्टोरेंट के नाम से रेडीमेड पार्क के बाहर होटल खोल रखा था। 3 दिन पहले उसके आखिरी बार अपने घर वालों से बात हुई थी। हजीरा पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, एक बॉडी मिली है, क्या पूरा मामला है? डुकुल पार्क के पास में एक अन्नाज होटल है, उसके मालिक है सोनू भदौरिया। तो उनके घर वालों ने आके यहाँ सूचना दी है कि वो अंदर पड़े हुए हैं पलंग पर और बदबू आ रही है। तो उनके घर वालों के सूचना पर से अपन ने मर्ग कायम कर जांच में ले लिया गया है। बाकी जो जांच में आएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या लगता है, कितने बच्चे क्या लग रहा होगा? नहीं, प्रथम दृष्टया तो अभी कुछ नहीं है। अभी मर्ग कायम करके जो जांच में आएगा वो बाहर से गेट लगे मुझे बता रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ बताया नहीं है, शटर खुला हुआ था। अगर वो भी अगर बताएंगे तो उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे।